आईपीएल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनिंग बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे अब चोटिल हो चुके हैं और जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं उसके मुताबिक रहाणे अब आईपीएल का आगामी टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। साथ ही साथ केकेआर का जो एक मैच बचा है वह भी अजिंक्य रहाणे नहीं खेलेंगे। बताया जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे की चोट सीरियस है और इस वजह से वह आराम के लिए अब आईपीएल से हट गए हैं। रहाणे को हैमस्ट्रिंग इंजरी है और इस वजह से वह आईपीएल से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि कोलकाता की टीम पहले ही आईपीएल में बेहद ही बुरे दौर से गुजर रही है। टीम 7 मैच हार चुकी है, 6 मैच में उसे जीत मिली है और इस वक्त पॉइंट टेबल में 6ठे स्थान पर है। टीम के लिए प्लेऑफ की राह बेहद मुश्किल है, लेकिन इस वक्त टीम के लिए एक और बड़ा झटका है कि अजिंक्य रहाणे टीम से बाहर हो गए हैं। टीम पहले ही ओपनिंग के तौर पर बल्लेबाजी के विकल्प ढूंढ रही थी और ऐसे में अब अजिंक्य रहाणे का बाहर होना टीम के लिए एक बड़ी चिंता है। साथ ही आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे का आईपीएल से बाहर होना केवल आईपीएल के लिए ही नहीं टीम इंडिया के लिए भी चिंता है, क्योंकि टीम इंडिया को आईपीएल के बाद साउथ अफ्रीका के साथ घरेलू सीरीज खेलनी है। इसके बाद टीम को इंग्लैंड के लिए टेस्ट सीरीज का एक मैच खेलना है, वहां के लिए रवाना होना है और ऐसे में अजिंक्य रहाणे अगर टीम के साथ उस वक्त नहीं जुड़े रहेंगे तो टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता हो सकती है। ऐसे में बीसीसीआई के सिलेक्टर्स टीम इंडिया के लिए विकल्प ढूंढने का प्रयास करेंगे। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके साथ पवन तिवारी, देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।